हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ क्वालिटी में माशाल्लाह ये वाइट गोल्ड है ये दोनों माशाल्लाह अल शेख गोल्ड फार्म के। तो आते हैं बकरों पे, तो ये दोनों बकरे जानेंगे सब डिटेल्स बकरों के बारे में। तो आसिफ भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदमी। आसिफ भाई क्वालिटी है, एक्सपेंसिव है और प्रीमियम है, तीनों चीज़ है, तो कुछ बताइए इन बकरों के बारे में। ये हमारे पास से फार्म के माशाल्लाह सबसे खूबसूरत जोड़ी है वाइट गोल्ड की। वाइट गोल्ड जैसा कि आप देख रहे हैं क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी देख सकते हो, सिंग वगैरह भी फुल मार्बल, पूरे पूरे गुलाबी बकरे। तो ये सोजत है ना? पूरे प्योर सोजत है, एकदम प्योर सोजत है। तो इनको आके कितना टाइम हो गया अपने फार्म पर? ये दरअसल ना हम लोग के पास में लास्ट ईयर में हम लोग के बात थे, मगर ये अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद ये हमारे पास में अक्टूबर में आए। अक्टूबर अक्टूबर से आए। और कितने दांत पे हैं अभी? दांत दोनों ने 8-8 लगा दिए, पूरे लगा दिया। पूरे दोनों ने 8-8। और हाइट वगैरह कितनी है? हाइट भी माशाल्लाह 41 की हाइट है बकरी की। 41 की है। इसी रवाजे वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ये जो सामने खस्सी बकरों में आता है। और सीना वगैरह भी माशाल्लाह दिखाने की जरूरत नहीं, सामने से ऐसा दिख जाता है डायरेक्टली। और तो क्या इनका वेट वगैरह कितना है? 100+ के बकरे हैं दोनों भी भाई। हाँ, 100+ के बकरे हैं। और सेल के लिए अवेलेबल? सेल के लिए अवेलेबल है माशाल्लाह। तो क्वालिटी बकरे का शौकीन है जी जी, तो उसको इंशाल्लाह पसंद ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। तो ये वाइट गोल्ड है। और बताइए कुछ फैसल भाई, आप बताइए बकरों के बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताइए बकरों की। जी जैसा कि बताया आसिफ भाई ने, ये हमारे पास अक्टूबर से बकरे हैं जी। और माशाल्लाह इनका जर्नी भी बहुत अच्छा रहा है, कंटिन्यू ग्रोथ करते गए, अच्छा वेट गेन भी किए और बकरों की बनावट भी बहुत अच्छी गई है माशाल्लाह। जैसा आपने खुद अभी कवर किए बकरों का सीना देखिए, पूरा सिंग से लेके नीचे खुर तक पूरे वाइट मार्बल, एकदम खूबसूरत गोरी चमड़ी के बच्चे। जो सोजत के शौकीन है ना, वो ज़रूर इस बकरे को देखे, मैं चाहता हूँ। और इंशाल्लाह जब भी अगर जिसको परचेस सेलिंग के लिए चाहिए, मतलब परचेसिंग के लिए चाहिए, वो कॉल कर सकते हैं मुझे आसिफ भाई को, और इंशाल्लाह फिर उसकी बाकी की सब डिटेल उनको बता दिया जाए। अच्छा, हम लोग ने एक क्वेश्चन पूछना भूल गए, जैसे अपना फार्म है मुंबई में, महाराष्ट्र में फार्म है, अभी काफ़ी जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर कोई बाहर लेता है जैसे आउट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अभी अवेलेबल है कि नहीं? फिलहाल अभी के लिए तो अदनान भाई कहीं भी बाहर हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बॉम्बे की ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई बकरा खरीदता है तो उसको यहीं पे रखना पड़ेगा, या अगर रखना पड़ेगा, या उसको पहले अपने सेटिंग से किसी को लेके जाना है तो वो लेके जाएगी, लेके बॉम्बे से बाहर फिलहाल हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर सामने कस्टमर, उसकी कुछ सेटिंग है ट्रांसपोर्ट की, लेके जा सकते। अगर बेटर है जो आदमी खरीदता है, अगर वो जब तक ये सब कुछ ओपन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन जब तक ओपन नहीं होता तब तक अगर बेटर इधर ही रखे तो उसमें ही ठीक। हाँ, वैसे भी बकरा इसको काफ़ी टाइम है जी जी, तो इसके पलाई के चार्जेस तो सेम ही रहेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सेम, कुछ बड़ा 500, बिल्कुल कुछ नहीं चेंजेस। जैसा हमने पहले भी बात किए थे, बड़े बकरे हो छोटे बकरे हो, जैसा भी कुछ 100 के ऊपर के बकरे, उसके चार्जेस डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म साइज। जैसे कि अभी आजकल काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि बकरों को दूध वगैरह भी पिलाना चाहिए, तो क्या अगर कोई डिमांड करता है कस्टमर ले करके, तो दूध वगैरह कस्टमर अगर डिमांड करेगा तो कोई मसला नहीं, तो दूध का जो ऊपर का चार्जेस होता है जो देना पड़े दे, तो कोई तकलीफ नहीं है उसमें, दूध का जो चार्जेस रहेगा वो उसको बेयर करना पड़ेगा ना। तो ये दो बकरे हैं वाइट डायमंड, वाइट डायमंड सॉरी वाइट गोल्ड। तो कुछ रेंज वगैरह बता सकते हैं? जैसे हमने आपको बताया ना अभी कि अपने पास जो बकरों की प्राइसिंग है वो 25,000 से 80,000 तक है। 80,000 तक, जो भी इसकी डिटेल रहेगी प्राइसिंग इंशाल्लाह फोन पे बता, फोन पे बता देंगे। और अगर कोई वेट वगैरह की वीडियो वगैरह, बिल्कुल सब सब वेट की वीडियो, हाइट की वीडियो, तो जिसको भी बकरा अगर परचेज करना है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आना है तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो बता सकते हैं? नहीं, जो भी जिसको अगर यहाँ पर आना है, बकरे देखना है, क्वालिटी देखना है, तो बिल्कुल आ सकते हैं और वो हमको कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम उनके साथ लोकेशन शेयर कर लेंगे। बट इसका फिर भी एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये आप भिवंडी से जब आगे आओगे तो महापोली विलेज करके एक एरिया है, वहाँ पर कार चॉइस आपको नाके पे मेन रोड पे ही मिल जाएगा, वहाँ से बस 1-2 मिनट की दूरी पे अपना फार्म है, और ये मेन रोड पे फार्म है, मेन रोड पे फार्म है। ये अच्छा है कि मेन रोड पे फार्म जी, ताकि लोगों को, और बोर्ड वगैरह भी बाहर लगे हुए हैं ना, बराबर साइन बोर्ड लगा हुआ है कि फार्म के किस तरफ से जाना है क्या। तो जिसको भी अगर देखना है लाइव देख करके भी लीजिए, मैं तो यही करूँगा, अगर कोई कस्टमर शौकीन है, कोई शौकीन कस्टमर अगर देख रहा है तो ये जरूर देखे और आके देखे बकरे। नहीं, इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, अभी जो जैसा बताया हमने अल्लू जो हमारा बकरा बिका है जी, तो उसकी वीडियो आई थी बीच में, तो उसके वजह से कस्टमर ने देख के कॉल किया और उसने बोला कि भाई मैं रात में आना चाहता हूँ तरावी बाद, तो हम लोग भी सेम टाइम पे आ गए, वो भी आ गए और उन्होंने बकरे सामने सामने देख के परचेज किया, तो उसमें हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जैसे कि अगर कोई कॉल करता है, जैसे अगर अभी जैसे 1 बज रहा है रिसेंटली, अगर कोई कॉल करता है कि शाम में आना चाहते हो जैसे तरावी बाद, तो आप लोग आ जाओगे वो टाइम पे?
जी उसमें ज़्यादातर तो पॉसिबिलिटी हम लोग आ जाएंगे, अगर कोई वजह से कुछ अपने भी घर के काम रहते हैं अगर कोई वजह से ना आ पाए तो हम वो ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, वो बेटर तरीके से आके बकरे को देख के क्वालिटी देख के हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन फोटो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चीज़ में मेंशन करना चाहूँगा, ज़रूरी है जी, बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की है अदनान भाई, कि फार्म पे आए बकरे देखे, हमारे यहाँ पे टीम मौजूद है, आप हमारे किसी भी टीम मेंबर को बुलाइए, वो आपके साथ बात करेंगे, आपको बकरा बाहर निकाल के दिखाएंगे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और बिल्कुल अलाउड नहीं है, और बकरे आपको जो चाहिए जैसे कस्टमर्स की भी कुछ कस्टमर्स की प्राइवेसी होती है कि उनके बकरे ना शो हो, बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स तो बिल्कुल फ्री है बट कुछ कस्टमर्स उसको माइंड करते हैं कि हमारे बकरे वीडियो में आ गए, जो नहीं चाहते वो दिखाना। हम लोग ने जितने भी वीडियोज अभी तक बनाए हैं वो हम लोग ने आसिफ भाई हम लोग ने कस्टमर की परमिशन के साथ में बनाए कि कस्टमर को ताकि एतराज़ ना हो। ये बात भी जरूरी था ऐड करना दान भाई कि जो भी हमने पलाई के बताए जो हमने सेल किया और हमारे पास ही पलाई पे बकरे हैं उन सब से हमने परमिशन ली है, बिना परमिशन के यहाँ पे वीडियो किसी की नहीं बनती, किसी की नहीं बनती है। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि कस्टमर को भी एक भरोसा हो कि उनके बकरे सेफ हैं, जगह पे करेक्ट है, राइट करेक्ट। तो माशाल्लाह ये दोनों बकरे के लिए खास करके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आइए अलशे गोट फार्म पे, एम्बियंस देखे, एम्बियंस देख करके भी आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा, और बकरे तो माशाल्लाह बोलने की ज़रूरत नहीं, तो अल्लाह ने बेशक कुदरत अल्लाह की बहुत ही जितनी तारीफ की जाए वो तो कम है अल्लाह की कुदरत की माशाल्लाह। तो ये तो है वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड है माशाल्लाह अलशे गोट फार्म। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।